मेरे साथ एक बुजुर्ग दंपति हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। वोट देकर निकले हैं हम देख रहे हैं आपको चलने में परेशानी जरूर हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन आप वोट देने जरूर आए और सबसे पहले आ गए। हर साल आते हैं, वी आर 80 इयर्स ओल्ड। मेरा नाम है भास्कर गुहा रॉय। चित्रा जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग वोटिंग देने के लिए आए और पैदल आए हैं, आप पैदल जाएंगे? पैदल गाड़ी इधर है, बस यहाँ से पैदल ही आना पड़ा बस। ठीक है, बट हम हर साल आते हैं एज ए प्रिंसिपल। क्या कहेंगे उन लोगों को जो गर्मी से बचने के लिए नहीं आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक 5 साल में एक दफे ये मौका आता है ना, और वी मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू चूज आवर कैंडिडेट, सो दैट राइट शुड बी अवेल्ड। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज आप अपना कीमती वोट दे रहे हैं, कौन से मुद्दे जरूरी हैं जिनको आपने ध्यान में रखा है? किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। नहीं, सबसे ज्यादा है करप्शन। करप्शन इज फुल, करप्शन एंड क्लीनलीनेस, बिल्कुल क्लीनलीनेस नहीं है, और करप्शन बहुत है यहाँ। करप्शन, हम तो करप्शन के बहुत अगेंस्ट है, तो ये बहुत टैकल होना चाहिए करप्शन। देखिए, साफ सफाई का मुद्दा और भ्रष्टाचार के विरोध में वोट देकर निकल रहे हैं दंपति। आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से। वोटिंग शुरू हो गई है और लगातार लोगों के वोटिंग सेंटर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि हमें कई जगहों पर ऐसे में कतार दिखाई दे रही है, लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में फिलहाल लाइन तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वोटर्स पहुँच जरूर रहे हैं। एबीपी न्यूज लगातार आपको इसी तरह से खबर दिखाता रहेगा और वोटर से बात हम करते रहेंगे, उनकी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राजन के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।